मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का माहौल है देश के अंदर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काम वही कांग्रेस के 15 महीने में किसान को नौजवान को जो धोखा दिया है। जब यह मिश्रण जनता के सामने आता है तो यह मिश्रण वातावरण का निर्माण कर देता है। भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर है। मंत्री मिश्रा ने कहा कि गणेश उत्सव को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस समय गणेश उत्सव एवं गणेश विसर्जन प्रतिबंधित है। ईद और मुहर्रम को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे कि पहले सार्वजनिक तरीके से त्योहार मनाए जाते थे, इस समय ईद और मुहर्रम ताजिया विसर्जन सार्वजनिक तरीके से नहीं होंगे। इसी तरीके से दुर्गा प्रतिमाओं के जो पंडाल लगते थे, स्थापना होती थी, विसर्जन होते हैं, वह भी नहीं होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, सभी धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक लोग एक साथ अंदर एकत्रित ना हो, ऐसा कल मुख्यमंत्री के साथ बैठक में निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा, सभी धर्म गुरुओं से हम अपील करते हैं, निवेदन है कि धार्मिक स्थलों में भीड़ को एकत्रित ना होने दें। शादी फंक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि वर पक्ष से 10, वधु पक्ष से 10 से ज्यादा की परमिशन नहीं है। ऐसे ही जन्मदिन, शादी की सालगिरह, पारिवारिक कार्यक्रम की भी संख्या निर्धारित की गई है। भोपाल से मोइन खान की एक, कोई भी इनमें भाग इससे ज्यादा 3 लगेगा, जिससे एकदम संक्रमण कहीं सोसाइटी में न फैल जाए। ये सब जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग इस पर एडवाइजरी जारी कर रहा है। मेरा सभी पुजारियों से, मौलवियों से, गिरजाघरों के फादर से, गुरुद्वारे में ग्रंथी साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भीड़ को इकट्ठी न हो। सर, कांग्रेस ने कि अटल जी के सिद्धांतों को बीजेपी रोज रही है जी, तो वो ट्वीटी करते हैं, ट्वीटी करते हैं सर, कांग्रेस करे क्या बाइट कहाँ हो रही है ना। कोरोना पे ध्यान है ना, इस पे ध्यान है सरकार का, कांग्रेस कह रही कोरोना पे ध्यान तो अपनी पार्टी पे है ना, हमारा नहीं है। अपनी पार्टी को संभालो वरना अगले बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी। सर, गैंगस्टर विकास दुबे का जो एनकाउंटर नेपाल के भी प्रधानमंत्री निशाना साधा, हालांकि केशव मौर्य ने उनका उनको भी जवाब दिया है कि वो कहते हैं कि नेपाल में अयोध्या थी, यहाँ तो यहाँ की जो अयोध्या वो नकली है। मेरे ख्याल से धर्म बहस का विषय नहीं होना चाहिए, राम हमारी आस्था के केंद्र थे। नेपाल के प्रधानमंत्री कोई विवाद खड़ा कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है वो किस विचार से प्रेरित हैं, उन्हें जानते हैं। लेकिन मैं उनके विचार पे उंगली उठा के फिर भगवान राम को दोबारा चर्चा में नहीं लाना चाहता। वो हमारी आस्था के केंद्र हैं, वो हमारे आराध्य हैं और इसलिए हम अपनी आस्था को खंडित होने देना नहीं चाहते। ठीक, सिंधिया जी, मध्य प्रदेश में, भोपाल में भी लग सकता है, थोड़ा हिसाब कर लें। नहीं, इस तरह की अभी कोई भी प्लानिंग नहीं है कि स्थायी रूप से कोई लॉकडाउन किया जाए। अब जो भी निर्णय होता है स्थानीय स्तर पर होता है लॉकडाउन के बारे में। जैसे ग्वालियर की क्राइसिस कमेटी कल बैठी है, उसने प्रस्तावित किया है, फिर हम निर्णय लेते हैं, जिलाधीश वहाँ के निर्णय लेते हैं, उन्हें दिक्कत आती है, वो राज्य से गृह विभाग से मार्गदर्शन लेते हैं। सर, क्या रणनीति रहेगी, चूँकि विधानसभा के पहले दिन मैं समझता हूँ कि हमारे सम्मानित सदस्य ऊंटवाल जी हमारे बीच नहीं रहे थे, तो शोक सभा श्रद्धांजलि होगी। दूसरे दिन माननीय अध्यक्ष विधानसभा का चुनाव बोर्ड बजट ही रखा जाए, प्रस्तुत किया जाए और उसके बाद फिर उपाध्यक्ष की अधिसूचना निकलेगी, फिर बजट पास होगा। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया सर, कौन प्रस्ताव लंबित नहीं है सर, ये सच है। कल गृह विभाग की बैठक में हमने ऐसा तय किया है और गृह विभाग आज उसका कैमरा किसका जारी करेगी निर्देश को कि जो बड़े पंडाल लगा के भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित होती थी, गणेश उत्सव रहता था और गणेश विसर्जन रहता था, ये सभी लगभग प्रतिबंधित हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा घर पर कर सकते हैं छोटी मूर्ति के रूप में, जो उनकी एक परिवार का मंदिर का साइज होता है, अलमारी आले में जो हमारे यहाँ रखी जाती है, मंदिर में रखी जाती है घर के अंदर। इसी तरह से जो 31 तारीख को ईद है या मुहर्रम आते हैं, ताजी आते हैं, उनके भी विसर्जन का और वैसा सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इस तरह के धार्मिक स्थान जो भी हैं सभी समाजों के, वहाँ भी 5 से अधिक लोग एक बार एकत्रित न हों, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में कल तय किया था। मंत्रीगण भी थे कोरोना की बैठक में,
तो सारंग जी और प्रभु दयाल जी प्रभु जी, तो उसमें भी ये तय किया है कि इसमें इसी तरह से दुर्गा प्रतिमाओं के बारे में भी, जो पंडाल लगते थे और विसर्जन होता था, स्थापना होती थी घट की, वो सब भी फिलहाल अभी रोक दिया गया है। शादी देश के एक युवक ने सबसे पहले देखा था, तो क्या इसके लिए कोई इंक्वायरी कराएंगे कि वो इनाम किसको मिलना है? इंक्वायरी उसकी चल रही है, उसकी पहले से ही इंक्वायरी चल रही है, इसलिए जो परिणाम पहला आता है, प्राथमिकी आती है, उसके आधार पर अगला निर्णय हम लेंगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अजय विश्नोई का ट्वीट या दीपक जोशी की नाराजगी, तमाम ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से इतनी चिंता वो भाजपा की कर रहे हैं, इतनी कांग्रेस की भी तो करें। एक के बाद एक सबरे प्रदेश जा रहे हैं हाथ से, और उन्हीं की पार्टी टूट रही है, इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। ठीक सर, सर सर यहाँ भी गए हैं, तमाम बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, उनका स्वागत है और सबके यहाँ जाना भी चाहिए, अच्छा है। थैंक यू।